नमस्ते दोस्तों, मैं नंदना और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज व्हाइट सॉस मैगी कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चे लोग ये बहुत पसंद करते हैं और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ एक पैकेट मैगी लिया, उसको उबलने के लिए बिठा दिया। मैगी को अच्छे से उबल लेना पड़ेगा। मैगी का जो बचा हुआ पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, वो बाद में यूज़ करेंगे। तो अब व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पैन लिए 2 टीस्पून बटर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिए। फिर अच्छे से उसको फ्राई करना है। मैदा से जब तक अच्छा खुशबू नहीं निकल आता तब तक उसको फ्राई करना है। मैं देख रही हूँ मैदा थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, इसलिए 1/2 टीस्पून बटर फिर से ऐड करूँगी, फिर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैं कुछ सब्जी कट के रख दिए, थोड़ा सा गाजर उसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड कर दिए और 1/2 आलू मैं छोटा छोटा पीस में कट के रख दिए, उसको पहले उबल लिया फिर ऐड कर देंगे। फिर अच्छे से उसको फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। जब तक अच्छा खुशबू नहीं निकल आता तब तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में ही। अब मैं 1 कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखी थी उसको ऐड कर देंगे। इसमें गर्म दूध इस्तेमाल नहीं होगा। अब देख ही सकते हो मेरा व्हाइट सॉस लगभग तैयार हो ही गया है। अब मैं थोड़ा सा चीज़ क्यूब्स उसमें ऐड कर दिए, फिर मीडियम फ्लेम में ही उसको अच्छे से पकाना है। तो मेरा व्हाइट सॉस बनके एकदम तैयार हो गया है। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ा सा और 1/2 कप दूध उसमें ऐड कर दिया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है तो इसलिए ऐड किया। थोड़ा सा नमक दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया और मैं जो उबल के रखी थी मैगी वो ऐड कर देंगे। फिर अच्छे से सबके साथ मैगी को मिक्स कर देंगे। इससे मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा व्हाइट सॉस मैगी बनके एकदम तैयार हो गया है। और लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी उसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ही चाहिए। उससे क्या होता है टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आप भी देखे देखना। और लास्ट में 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर में ऐड कर दिए। ये ऑप्शनल है, आप कसूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर नहीं भी ऐड कर सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है। मगर मैं कहूँगी ये दोनों ऐड करके टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।